भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोज की तरह काविंद्र चौहान हूं। दर्शकों, लालू के लाल की लालिमा में थोड़ा सा फर्क आ गया है। खबर बिहार से आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हलचल है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे, सीमा पार करेंगे तो एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे हैं, लेकिन जो विरासत है, राजनीतिक विरासत को संभाले हैं छोटे बेटे। ऐसे में आज नहीं कल तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में ऐसा फर्क आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, जो कि अब नजर आने लगी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लगातार अपने आप को कृष्ण बताते थे और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया करते थे, लेकिन किसको ही पता था कि महाभारत की कहानी यहां भी दोहरा दी जाएगी, महाभारत यहां भी हो जाएगी। तो ऐसा ही अब कुछ देखने को मिल चुका है बिहार में। बिहार में तेज प्रताप यादव सीधे ना हमलावर होकर इनडायरेक्टली घुमा फिराकर तेजस्वी यादव पर हमलावर हो रहे हैं। हमलावर होते होते वो ये भूल जाते हैं कि वो उनका छोटा भाई है, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सब कुछ है तो आखिर तेजस्वी के पास ही, क्योंकि लालू की जो विरासत है, राजनीतिक जो इतनी बड़ी उनकी पार्टी है, वो तो पहले से ही तेजस्वी के पास है। लेकिन अब ना जाने कहां से, कौन से ख्याल में तेज प्रताप यादव को ऐसा लगता है कि पार्टी पर उनका भी होल्ड मजबूत होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पार्टी से अलग करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव वही है जो कल तक बांसुरी बजाते मथुरा में दिखते थे, लेकिन अब बांसुरी का चुनाव चिन्ह चाहते हैं। लेकिन वो इस बात से भी नाराज हैं कि लालटेन उनके हाथ में नहीं, वो एक हाथ में लालटेन तो दूसरे हाथ में बांसुरी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी बांसुरी और लालटेन के बीच में रोड़ा बन चुके हैं शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं, जिन्होंने कहा है कि आखिर तेज प्रताप यादव आरजेडी में है ही कहां। पत्रकार ने ऐसे ही चलते फिरते उनसे सवाल पूछ लिया, पूछा कि क्या तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा निष्कासन की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि जो पार्टी में है ही नहीं तो उसका निष्कासन कैसा। इतनी बड़ी खबर को सुनते ही बिहार के लोगों में लगातार इस खबर को शेयर करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, खबरों में हेडलाइन बन चुकी है और बिहार समाचार में बड़ी खबर यही है। कल के अखबार में फ्रंट पेज पर बड़ी बड़ी फोटो दो भाइयों की छपेगी, बीच में हो सकता है कि क्रॉस का निशान बन जाए या वर्सेस लिखकर भी आ जाए, देखना अति आवश्यक होगा। लेकिन सबसे बड़ी घटना पर नीतीश कुमार किस तरीके से क्या नजर बनाकर बैठे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं जैसा पंजाब कांग्रेस की बात करें, पंजाब कांग्रेस में पूरी हलचल थी, पार्टी टूट रही थी, कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था, पूरी तेजी के साथ सब कुछ चल रहा था। ऐसे में बाहर से दूर से बादल एक छोर से सब कुछ देख रहे थे। ऐसा ही कुछ बिहार में होता मालूम पड़ता है, क्योंकि बिहार में जब दो भाई लड़ रहे हैं, पिता दिल्ली में बैठे हैं, पिता वही हैं जो अभी जमानत पर बाहर आए हैं। बड़े बेटे का कहना है कि पिता को किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहते, वहीं छोटे बेटे का हाल पूरा राजनीतिक है, वो सिर्फ दिल्ली से पटना जाते हैं, जब पटना विधानसभा के लिए जाते हैं पत्रकार उनसे पूछ ही लेते हैं कि भैया आपके भाई ने ये बातें कही हैं, आप क्या कहेंगे, वो चुटकी लेते हैं, मुस्कुराते हैं और सीधे तौर पर बातों का खंडन कर देते हैं। दोनों भाई प्रेस के सामने ये नहीं दिखाते कि तू हारा मैं जीता या मैं जीता तू हारा, लेकिन दोनों भाई ये जरूर कहना चाहते हैं कि वो हारा मैं जीता वो हारा, नाम लेने से दोनों बच रहे हैं, लेकिन एक एक मोहरा है पार्टी में बना लिया गया है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर हाल समाजवादी पार्टी जैसा नहीं है, वहां चाचा भतीजे की लड़ाई थी, यहां भाई भाई की लड़ाई है, वहां पर पिता सामने थे, यहां पर पिता दिल्ली में है। दिल्ली में क्या कर रहे हैं, दिल्ली में पिता मीसा भारती के साथ हैं, मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, 2023 में उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन बिहार का युवा क्या सोचता है, बिहार के लोग क्या सोचते हैं, इसको लेकर बड़ा एक पैमाना चालू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो कहावत है कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। अगर समोसे में आलू है बिहार में लालू है तो आखिर उनके दोनों लाल कहां है, बिहार को कौन सा चटनी खानी है, तेजस्वी की चटनी खानी है आलू के साथ या फिर तेज प्रताप यादव की चटनी खानी है। बिहार के लोगों के सामने समस्या बड़ी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी वहां पर अड़े हैं, तो ऐसी लड़ाई जो कल तक लालू और नीतीश के बीच में होती थी, क्या वो दो भाइयों के बीच की होकर रह जाएगी या फिर बिहार में कोई बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपनी संभावनाओं को खोजने में लगी हैं। फिलहाल जो कुछ है, ये हलचल क्यों है, ये आज की खबर क्यों है और भारत एट नाइन में ये मुद्दा क्यों उठाया गया, इसके पीछे वजह है, सिर्फ एक नाम है, उसका नाम है शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं, पुराने जो राजनीतिक सोच मोच के लोग होते होंगे उनको उनके बारे में पता होगा, बिहार के लोग का तो बच्चा बच्चा भी उनके बारे में जानता है, क्योंकि आरजेडी में पुराने खिलाड़ी हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ हो लेते हैं तो कभी लालू के साथ हो लेते हैं। फिलहाल उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसको छोटी सी एक बाइट क्लिप है, उसको जरा आप देख लीजिए। पार्टी ने कहा तो कल आपको लालू जी ने भी कहा कि हमको किसी ने बंधक बना के नहीं रखा, और वो एक नया संगठन उन्होंने पार्टी से अलग बनाया है, पार्टी में नहीं है, पार्टी में नहीं है।
ना ना भाई, कहां पार्टी ने निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाइयों को मना कर दिया गया, सिम्पल मैसेज किया। देश पर देश की अगर बात करें तो राजनीति पर बॉलीवुड फिल्म्स बनती हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि बॉलीवुड फिल्म्स ही राजनीति का एक हिस्सा हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जरा सोचिए कि एक पिता की पार्टी जिसके लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में शिवानंद तिवारी कौन? शिवानंद तिवारी वो हैं जो आरजेडी के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, और ऐसे में तेज प्रताप यादव का लगातार कहना है कि शिवानंद तिवारी जैसे ही लोग हैं जो कुछ ऐसे सोच वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सत्ता में जो चाबी है उसको लेकर तो लड़ाई है ही, दूसरे दलों के साथ लड़ाई है ही, लेकिन आपस में जो लड़ाई है, आपस की जो पॉलिटिक्स है, उससे कैसे उभरेंगे? परिवार तो दूसरे परिवारों से लड़ लेगा, लेकिन अपने परिवार में ही अगर अंतर कलह हो जाएगी उससे कैसे लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी का जो कुछ उत्तर प्रदेश में हाल हुआ है वो सभी ने देखा है। चाचा आज भी दूर से सिहारते हैं, निहारते हैं, तो देखकर कहीं ना कहीं उदास होते होंगे। चेहरे पे जो मुस्कान है उसके पीछे, मुखौटे के पीछे जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं रोता होगा, क्योंकि अब वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। जिस पार्टी को सींचा उन्होंने, जिस पार्टी को साइकिल से ले जाकर उन्होंने चलाया, बनाया, बड़ा किया, और साइकिल एक पहचान बन गई एक पार्टी की, उसी पार्टी की पहचान लिए आज शिवपाल सिंह यादव कहीं और मंडरा रहे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि एक परिवार में आपस में लड़ाई है। इन सभी को, इन सभी परिवारवादी पार्टियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस से सीखना चाहिए। जहां एक बहन अगर गिरफ्तार हो जाती है तो भाई उनके पीछे पीछे आ जाता है। तो राजनीतिक मंशाएं अलग हैं, राजनीतिक सोच अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों को साथ बने रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आखिर पार्टी अगर परिवार है और अगर परिवार ही पार्टी है तो आखिरकार भाई भाई के साथ खाएगा तभी पार्टी का काम चल पाएगा। फिलहाल दोनों भाई किस तरीके से लड़ते हैं जरा चुटकी लेते हुए समझिएगा और देखिएगा कि तू तू मैं तो नहीं है, लेकिन मैं तू तू फिर भी नजर आती है। दोनों की जरा बाइट चलाइएगा। पिताजी को जेल से आ गए महीना भर साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वही रोक के रखा हुआ, हमने पिताजी से बात किया कि हम हमारे साथ चलिए पटना चलिए, हम साथ साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, आप आइए देखिए इस संगठन में। वो रहते थे तो दरबार जो खुला रहता था, खुला दरवाजा जो है खोल करके, अब वो आउट हाउस से सब लोग जानते हैं, साक्षी है सब, आउट हाउस में वो बैठा करते थे, अब तमाम जनता से, महान जनता से सामने मिलने जुलने का काम करते थे। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रस्सा बनवाया कि जनता दूर रहे भाई, वाह ही वाह। हमारे पिता को वाणी नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। अब देखिए, अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, दो दो प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया, तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लेकिन उनको हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता, तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर रखा है। ये दोनों भाइयों की राजनीतिक भाषा थी, आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। एक भाई ये कह रहा है कि उनके पिता को बंधक बना लिया गया है दिल्ली में, तो दूसरा भाई कह रहा है कि जिस पिता ने मंत्री पद संभाले हो, जो पिता मुख्यमंत्री रहा हो, जिस पिता ने आडवाणी तक को गिरफ्तार किया हो, उस पिता के साथ इस तरीके की बातें मैच नहीं कर पाती, शोभा नहीं दे पाती। हालांकि दोनों भाइयों की जो लड़ाई है सीधे तौर पर सामने है, इसमें ज्यादा कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है। लेकिन शिवानंद तिवारी ने जो कुछ कहा है वो एक बड़ा बयान है, क्योंकि तेज प्रताप यादव कोई आम आदमी तो है नहीं, मामूली आदमी तो है नहीं। क्योंकि अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर यहां पर वोटर्स की बात की जाए, अगर सीटों की बात की जाए, सीटों के आकलन के हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी
आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल ही है। तो ऐसे में उस पार्टी का जो सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उस पार्टी के संरक्षक हैं, जो उस पार्टी के संस्थापक हैं, वो लालू प्रसाद यादव ही तो हैं। और कौन है? और लालू प्रसाद यादव के दो ही तो बेटे हैं जिनका नाम तेजस्वी है और तेज प्रताप यादव है। विरासत इन्हीं में से किसी को संभालनी थी, तेजस्वी ने विरासत संभाल ली, लेकिन क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि तेज प्रताप यादव को कुछ भी नहीं मिलेगा? हालांकि उनकी लोगों को सुनना तो पड़ेगा ही क्योंकि उनके पिता की पार्टी है। लेकिन ऐसे में शिवानंद तिवारी जो कल तक इधर गोते खाते थे, आज इधर गोते खाते हैं, अब बीच में नाव लेकर एक सवार होकर एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस पार्टी के हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव तो इस पार्टी के हैं ही नहीं, निष्कासन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शिवानंद तिवारी यूं ही कोई बात कह गए हों। इससे पहले तेज प्रताप यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की बातें कहते रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अगस्त महीने में, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 महीने पहले की ही बात है। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, ऐसा उनको महसूस कराया जा रहा है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा था कि अब पार्टी के जो दरवाजे हैं वो खुले नहीं रहते पहले के समय में जैसे खुले रहते थे, वैसे ही पार्टी के दरवाजों को खोलने की जरूरत है। दरवाजे किस लिए बंद हैं उन्होंने ये सीधे तौर पर नहीं बताया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाम है उनका, जी जगदानंद सिंह नाम है, जगदानंद सिंह को लेकर भी वो हमलावर रहते हैं, सीधे इशारों में बात करते हैं। हालांकि उनका इशारा तेजस्वी यादव ही है, मेरे जैसे सरीखा पत्रकार आसानी से समझ सकता है, अब तो शायद आम जनमानस भी समझ जाता हो, लेकिन जगदानंद सिंह के सहारे वो तेजस्वी यादव पर ही हमलावर दिखते हैं। ऐसे में वो थोड़ी दिनों पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको भी एक बार सुनना चाहिए, थोड़ी सी बड़ी है, समय निकाल लिए और इसको भी सुन लीजिए, क्योंकि इससे पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा, बातें सरल होंगी, आसान होंगी, और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके भविष्य पर भी इसका प्रभाव देखने को पड़ेगा। देखिए, अभी तेजस्वी जी से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन संगठन विरोधी जो काम हो रहा है ये पूरी बिहार की जनता देख रही है कि किस तरीके से धोखाधड़ी किया जा रहा है और जो आदमी बढ़ता है उसको किस तरीके से उसको काटने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी हम मिल करके तेजस्वी से बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, अभी वो आ गए हैं, तो अभी मैं जाऊँगा वहाँ। पार्टी के अंदर एक नेता जगदानंद सिंह है कि और भी कई नेता हैं? देखिए, नहीं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, नाम दे देता हूँ, जो चार जो नाम है इसमें, केवल आकाशी यादव नहीं है, इसमें प्रोफेसर राधे श्याम जी हैं गया जिला के, और सीताराम यादव पूर्व सांसद, इन लोगों को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, इन लोगों को भी ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारा पूरा लिस्ट है, इन लोगों को भी किसी भी तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया गया, और ऐसे ही बिना सोचे समझे रातों रात किसी को भी, मतलब कि जैसे कोई मिठाई बट रहा हो भाई, भीड़ हो, हाँ तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, मतलब ये सिस्टम अपना लिया है लोग, तो ये सब नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध जो जाता है हमको कष्ट हो जाता है, नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर, जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे, इस संविधान को लेकर के मुकदमा करने का हम काम करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। और छात्र जिस तरीके से परेशान हुआ है, लगातार धूप में, गर्मी में, छात्र धूप गर्मी सब नहीं देखता, लाठी चार्ज खाने जब हुआ था, जब पथराव हुआ था, तो हम और तेजस्वी जब वहाँ थे, या पूरे छात्र के नौजवान थे, पूरी मीडिया जानती है, मीडिया में भी कई एक नौजवान भाई लोग हैं, सब न्यूज़ कवर करने का भी काम किए थे, तो छात्र में जब यूथ जब आगे बढ़ने का काम किया, अच्छा क्या हुआ उस दिन आंदोलन में, जब हम लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने प्रोटेक्शन में उधर से पथराव करने का काम किया, पथराव किया, पथराव में हम लोगों ने पूरे तरीके से प्रोटेक्शन के लिए हमने हेलमेट पहना कि पत्थर लग वग जाएगा, चोट लग जाएगा, घायल हो जाएंगे आदमी, तो अब हमारे छात्र के नौजवान वहाँ पिटा रहे थे, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा, ये सब मेहनत कौन करता है, क्यों आता है छात्र का लड़का आखिर क्यों जुड़ता है, ये बोल रहे हैं कि छात्र सभा हमने बनाया ही नहीं, अरे आपके बनाने से क्या होता है, छात्र सभा आज से चला रहा है, हमारे पिताजी के समय से चला रहा है छात्र सभा, छात्र में पहले स्वदेश थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, शुरू से चलता आ रहा, सब लोग बने, अजीत बने, सृजन स्वराज बने, आकाश बने, लेकिन नोटिस क्यों नहीं गया, हम ये कहना चाहते हैं जो संविधान में जो दिया हुआ है, इस संविधान के विपरीत आखिर राष्ट्रीय जनता दल में क्यों ऐसा हुआ, संविधान के विरोध में जाकर के इस तरीके का काम करना ये गलत बात है, ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। शिकायत क्या करने वाला, जो सच्चाई है उसको हम रखने का काम करेंगे, हम उनको बताने का काम करेंगे कि संविधान में जो चीज़ धाराएं जो दी हैं 33 में, उसका नियम का पालन नहीं हुआ,
और बिना सोचे समझे हवा में नोटिस दे रहे हैं सबको, तब तो आप हमको भी कार्रवाई का नोटिस दे दीजिए, हमारे ऊपर भी बोल दीजिए। हमारे ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? करें कार्रवाई तो हम संविधान को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। वो कह रहे हैं जगदा वो कि संवैधानिक पद है ही नहीं संरक्षक का। नहीं, संवैधानिक पद का बात है, कोर कमेटी में हम नहीं हैं, पार्टी के कोर कमेटी में, तो ये तो हमारा अधिकार है। पार्टी के कोर कमेटी के हम सदस्य होने के नाते बोल रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी कुर्सी से चिपका रहेगा वही आदमी रहेगा संगठन में। संगठन हमारा कार्यकर्ता से, नौजवान से, छात्रों से बढ़ता है, और उसी छात्र नौजवान का हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं हम। तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको संविधान को मैं लेके कोर्ट जाऊंगा। सलाहकार लोग तो शुरू से लगे हुए हैं, उन सलाहकार का प्रवासी कौन सलाहकार है, कौन हरियाणा का आदमी है, आप नहीं जान रहे हैं, आपकी भी तो बात होती होगी, आप लोगों की भी बात होती होगी, सलाहकार कौन है सब जानता है सलाहकार, क्या श्याम जी की बात नहीं होती होगी, सबकी बात होती होगी, सलाहकार कौन है भाई, प्रवासी सलाहकार का है नाम ले हम, समझने वाले समझ गए होंगे चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो देख रहे होंगे। गलत जब जब हुआ है तब तब तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए स्टैंड लेने का काम किया है, चाहे इसके लिए हमको बगावत क्यों ना करना पड़े। अगर गलत होगा तो गलत का मैं साथ नहीं दूंगा, जो सच्चाई है सच्चाई के साथ सत्यमेव जयते ऐसा ही नहीं लिखा रहता है, सत्य की जीत होती है, और हमें पूरा विश्वास है अपने छात्र नौजवानों पर कि सत्य की एकदम जीत होती है। तो जो पूरी लड़ाई है वो आज या कल की नहीं है, लड़ाई तो पुरानी है, लड़ाई लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे में बिहार का क्या होगा, क्योंकि जब इस तरीके से नेता नजर आने लगेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि पहली दफा इस चीज को देखा गया है, जिस पार्टी में जो मेन चेहरे हैं वो एक परिवार है, वहां अगर परिवार में लड़ाई होती है तो लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या है? शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मेन चेहरे थे, जो मुलायम सिंह यादव के साथ नजर आते थे, वो अपने आप को मुलायम सिंह यादव के बाद खुद को दावेदार समझते थे पार्टी की कमान लेने का, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को दी, पार्टी टूट गई। ऐसे में आज भी सपा के लाखों कार्यकर्ता हैं जिनको समझ नहीं आता कि वो चाचा के साथ जाएंगे या भतीजे के साथ जाएंगे, वो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या शिवपाल सिंह यादव के साथ जाएंगे। ऐसे में उन लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि जो लोग पार्टी की स्थापना करते हैं, उन लोगों को बड़ा कष्ट होता है, वो कार्यकर्ताओं को बड़ा कष्ट होता है कि जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगाकर एक राजनीतिक दल को, एक राजनीतिक विचारधारा को खड़ा किया, और आखिर में ये राजनीतिक विचारधारा, ये राजनीतिक दल एक बिजनेस के रूप में बिखरती सी नजर आए, क्योंकि पार्टी में जो परिवार है, जो चेहरा है, वो ही ठीक ठीक से काम नहीं कर पा रहा, वहां आपस में लड़ाई है, और ये लड़ाई किसी और चीज की नहीं, लड़ाई है सत्ता की। जो लड़ाई है वो है महत्वाकांक्षाओं, तो महत्वाकांक्षाओं की इस लड़ाई में जनता कहां है, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब भी जनता के पास ही होना चाहिए। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई है या नहीं है, या कितनी है या कितनी कम है, इसका स्पष्ट जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका स्पष्ट जवाब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव खुद ही जानते होंगे, देंगे हालांकि वो भी नहीं, लेकिन इस लड़ाई के चलते जो एक आम राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का जो एक कार्यकर्ता है वो क्या सोच रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो एक आम कार्यकर्ता जो कहीं बैठा हुआ है, जो मोतिहारी में बैठा है, वो क्या सोचता है, पटना में जिसने झंडा लेकर पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पार्टी के लिए काम किया हो, वो आज क्या सोचता है? दोनों भाई के झगड़े में एक बहन भी पिस गई है, मीसा भारती। लेकिन मीसा भारती के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा कि मीसा भारती अभी तक तेज प्रताप यादव के साथ पूरी तरीके से नजर आती थी। आपको वो वक्त याद होगा जब आरजेडी की जब सरकार आई थी, जब आरजेडी और जेडीयू अलायंस में जब सरकार बना बैठे थे, तब आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव का तो पहले से फिक्स था कि हाँ डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव का किसी को फिक्स नहीं था। तेज प्रताप यादव के लिए आखिरी समय में मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, इन्हीं ने लड़ाई लड़ी थी, आखिरी तक डटी रही थी, और इन्हीं की वजह से ऐसा कहा जाता है कि आखिर में तेज प्रताप यादव को भी मिनिस्टर बनाना पड़ा था, मंत्री पद देना पड़ा था राज्य में। लेकिन अब मीसा भारती नजर नहीं आती, लड़ती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि राज्यसभा में भी बात करूं
तो राज्यसभा में जब मीसा भारती को भेजने की बात चल रही थी, जब राज्यसभा में भेजा जा रहा था मीसा भारती को, तब भी ऐसी बात थी कि तेज प्रताप यादव है वही लड़ते रहे थे आखिरी समय तक, क्योंकि कहीं ना कहीं राबड़ी देवी का भी नाम आ रहा था कि शायद राज्यसभा में उनको भेजा जा सकता है। तो दर्शकों, ये सोचने वाली बात है कि अब मीसा भारती क्यों नहीं आखिर तेज प्रताप के साथ आ रही, कहीं उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का जो उनका कार्यकाल है वो भी दर्शकों 2023 तक का ही है। 2023 में उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या मीसा भारती इसलिए डर गई हैं कि मीसा भारती को ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव के साथ जाने में अब कोई लाभ नहीं, क्या उनको ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव के साथ अभी चले भी गए तो क्या फायदा, क्योंकि सिर्फ जो विरासत है वो तेज प्रताप यादव के हाथ जरूर लगेगी, उसका बंटवारा होगा तो तेज प्रताप यादव के हाथ जरूर आएगा, लेकिन राजनीतिक विरासत जो है उसका तो पहले से नामांकन हो चुका है, उसके जो उत्तराधिकारी जो है वो तो तेजस्वी यादव है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक परिवारों में, राजनीतिक मकानों में किस तरीके से सत्ता या पावर कहूं इसे, तो ये जो पावर सेंटर है किस तरीके से परिवार में आपस में ही मतभेद खड़े कर देता है, ये जनता को देखना चाहिए। उन आम परिवारों को ये सोचना चाहिए जो रात में बैठकर साथ में बैठकर दाल चावल रोटी खाते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये जो बड़े लोग हैं, जो ये राजनीतिक जो धुरंधर हैं, इनके परिवारों की स्थिति क्या है। सिर्फ सत्ता की चाबी के लिए, सिर्फ पावर सेंटर बनने के लिए आपस में ही लड़ाई है, आपस में ही झगड़ा है। एक बेटा कहता है कि उसके पिता को दिल्ली में बंधक बना लिया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरा भाई है वो कहता है कि अभी भाई से मुलाकात नहीं हो पाई। एक बहन है जो दिल्ली में राज्यसभा सांसद है, वो कहती है कि ठीक है, कह रहा है तो ठीक ही होगा, जो कहना है वो कहते रहे। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है। एक पिता है जिसने पूरी जिंदगी एक पार्टी को सींचा, एक पार्टी को बड़ा बनाया, आंदोलन करे, एक पार्टी को खड़ा किया, आज वो बेल पर बाहर है। वो क्या किया है, उन्होंने क्या नहीं किया है, आरोप क्या है, दोषारोपण क्या है, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पिता की नजर से देखिए, जिसने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को सींचा, आज वो अगर दिल्ली से टीवी चैनलों पर ये देख रहा होगा, टीवी चैनल पर अगर मेरा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि क्या कुछ किया मैंने, क्या कमाया, कमाकर भी तो सब कुछ गवाया। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, उन्हीं के दो संतान, दो पूत किस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं, किसके लिए, उस विरासत के लिए जिसको कमाने में उनके पिता को कई वर्ष लग गए, कई दशक लग गए, कई आंदोलन लग गए, कई जेलों की सलाखों के तिमारे लग गए, कई दरबार लग गए, लेकिन सरकार के साथ ही उनकी लगातार झड़पें होती रहीं। मुख्यमंत्री तो वो रहे ही, लेकिन क्या कुछ कमाया, आज ये कमाया कि दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसा जनता को भी सोचना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए जो सिर्फ झंडा लेकर जय जयकार करना जानते हैं, उनको एक पल के लिए ठहर कर सोचना चाहिए कि अगर दोनों भाई बढ़ते हैं तो आप कैसे बढ़ते हैं, आप विचारधारा के साथ बढ़ते हैं या फिर नाम के साथ बढ़ते हैं। अगर नाम के साथ बढ़ते हैं तो ये भी सवाल है कि किस नाम के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी लालू के बेटे हैं और तेज प्रताप यादव भी लालू के बेटे हैं। अगर दोनों भाई अलग अलग हुए हैं तो आप किस नाम के साथ बटेंगे। लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव के साथ जाने में एक फायदा है कि यहाँ बांसुरी भी है, अगर बांसुरी बजानी है तो तेज प्रताप यादव के साथ हो लीजिएगा, और बांसुरी नहीं बजानी तो तेजस्वी के साथ हो लीजिएगा। बाकी जो असली लालूवादी हैं वो तो अभी भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि जिस पार्टी को आंदोलन के सहारे खड़ा किया, किसको पता था कि उसी पार्टी के दो लाल आज आपस में ही आंदोलन कर बैठेंगे। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और खूब बात करेंगे, एक अलग मुद्दा होगा। राजनीतिक सरजमी बड़ी कठिन हो चुकी है, क्योंकि लखीमपुर में जो कुछ चल रहा है उसकी आंच अब लखनऊ तक पहुंच चुकी है, उस पर लगातार हमारी नजर है, उस पर लगातार कार्यक्रम जारी हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हर राज्य की अपनी सियासत है, हर राज्य की अपनी राजनीति है, चुनाव यहां है तो ऐसा नहीं है कि मीडिया भी यहां है। मीडिया का काम चुनाव के हिसाब से नहीं चलता। ये दुआ है मेरी कि ऐसा वक्त आए कि मीडिया ये समझ पाए कि राजनीति के लिए राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीतिक पार्टियां इसमें सक्षम है, मीडिया का काम है वॉचडॉग का काम करना, जनता की चीजों को जनता तक रखना, उनके जनप्रतिनिधियों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाना और बीच में एक फिल्टर बनना, आसान भाषा में कहूं तो एक बांध बनना जिससे दो दरवाजे आपस में मिल सके। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।